नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैटरी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बैटरी के बारे में जाना था, आज की वीडियो में हम बैटरी के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेंट प्लग, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी बैटरी के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जोर दबा दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। बैटरी के पार्ट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे बैटरी के पार्ट्स होते हैं, इसमें हमारे बैटरी बॉक्स, नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट तथा बैटरी टर्मिनल और वेंट प्लग, ये सब जो हमारे बैटरी के पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे बैटरी के बॉक्स के बारे में कि जो बैटरी का बॉक्स होता है ये क्या होता है। तो बैटरी के बॉक्स को बैटरी कवर या फिर कंटेनर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बैटरी का बॉक्स होता है ये हार्ड रबड़ का बना होता है। बैटरी का जो टॉप कवर होता है उसमें चूड़ीदार छेद बने होते हैं जिनमें बैंड प्लग कसा जाता है। ये जो आपको दिख रहा हमारा बैंड प्लग होता है, ये जो बैंड प्लग होते हैं ये बैटरी के चार्ज करते टाइम जो भी केमिकल एक्शन की वजह से गैसें निकलती हैं उन गैसों को बाहर निकालने का काम यह बैंड प्लग करते हैं। बैटरी के बॉक्स के अंदर वोल्टेज के अनुसार 3 या 6 कंपार्टमेंट बने होते हैं तथा ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बैटरी बॉक्स के हर एक कंपार्टमेंट के नीचे कुछ स्थान रहता है जैसे कि आपको दिख रहा है, जिसमें बैटरियों का बुरादा इकट्ठा होता रहता है। अगर यह स्थान ना दिया हो तो इस बुरादे के कारण जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं उनके नीचे स्थान रहता है जहाँ पे बैटरियों का जो बुरादा होता है ये इकट्ठा होता रहता है। तो ये होता हमारा बैटरी बॉक्स। अब हम जानेंगे बैटरी की जो भी नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेट होती हैं उनके बारे में। तो ज़्यादातर मोटर गाड़ियों की बैटरी में 3 या 6 सेल लगे रहते हैं और एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है। उसी के अनुसार 6 सेल जिस बैटरी में लगे होते हैं वो बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है और जिस बैटरी में 3 सेल होते हैं वो बैटरी जो 6 वोल्ट की होती है। तो इस तरह इन सेलों को सीरीज में जोड़कर 6 और 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है। बड़ी गाड़ियों में 24 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। बैटरी के हर एक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें लगी रहती है और ये प्लेटें जो है वो लेड की बनी होती हैं जो कि चकोर जाली के रूप में होती हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। पॉजिटिव प्लेट में लेड पेराऑक्साइड भरा होता है तथा इसका रंग जो चॉकलेटी अर्थात भूरा होता है हमारी पॉजिटिव प्लेट का रंग तथा जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है ये इसमें क्या होता है कि लेड एंटीमनी भरा होता है तथा जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है उसका रंग जो स्लेटी होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है उसका रंग भूरा है और जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है उसका रंग जो है हमारा स्लेटी है तथा प्रत्येक सेल में अलग अलग पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेटों का गुच्छा बनाकर एक दूसरे के अंदर रख दिया जाता है। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। अब हम जानेंगे बैटरी के अगले पार्ट्स सेपरेटर के बारे में कि सेपरेटर क्या होते हैं। तो बैटरी के सेलों में पॉजिटिव तथा नेगेटिव किसी प्रकार आपस में शॉर्ट ना हो जाएं तो इसके लिए जो है वो इनके मध्य में सेपरेटर डाले जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हमारे सेपरेटर होते हैं जो कि पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट के बीच में डाले जाते हैं ताकि ये दोनों प्लेटें जो आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए बीच में सेपरेटर लगाए जाते हैं तथा ये जो सेपरेटर होते हैं ये विशेष प्रकार की लकड़ी या फिर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे सेपरेटर होते हैं। अब हम बैटरी के अगले जो भाग होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट
उसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और बैटरी में इसका काम क्या होता है। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो कि शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड व डिस्टिल्ड वाटर से बनाया जाता है, जो कि बैटरी के अंदर भरा जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1300 होती है। जब इसे हाइड्रोमीटर से टेस्ट करते हैं तो उसमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1300 होती है। तथा जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट होता है ये बाज़ार में बना बनाया मिलता है। यदि आप खुद इसको बनाएं तो एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में। इसका विशेष ध्यान रखें, लगभग 7 जो भाग होता है ये पानी और 1 भाग जो एसिड डालें, इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा जो प्लास्टिक के बर्तन में ही बनाना चाहिए। बैटरी में डालने से पहले लगभग 24 घंटे तक पड़ा रहने दें उसको, ताकि वो ठंडा हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में सेलों में लगी होती है तथा जो हमारी प्लेटें होती हैं ये 1/8 तक भरा रहना चाहिए, अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सेलों में 1/8 इंच तक भरा रहना चाहिए। तथा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ऐसा करने से सल्फ्यूरिक एसिड जो कुछ प्रयोग हो जाता है और उसकी वजह से वो जगह जो पानी ले लेता है। इस तरह से केमिकल एक्शन होने से पॉजिटिव प्लेट और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो बन जाता है और नेगेटिव प्लेट में नेगेटिव चार्ज बनता है। नई जो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद, जब नई बैटरी होती है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद 24 घंटे तक उसे भी पड़ा रहना देना चाहिए और बाद में उसे बैटरी चार्जर द्वारा चार्ज करना चाहिए। नई बैटरी को 7 या 10 एम्पीरियर से चार्ज करना चाहिए और इसको जो 48 घंटे तक चार्ज लगा रहना चाहिए। जब बैटरी पूरी तरह हो जाती है, यानी कि पूरी तरह चार्ज हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी जो 1250 हो जाती है। अगर ग्रेविटी जो 1150 है तो बैटरी जो डिस्चार्ज मानी जाती है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम बैटरी के अगले पार्ट्स, बैटरी के टर्मिनल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे बैटरी के टर्मिनल होते हैं, तथा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मोटाई में छोटा होता है और उसके ऊपर माइनस का निशान बना होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा मोटा होता है और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस का निशान बना होता है। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल। अब हम जानेंगे बैटरी के अगले पार्ट्स वेंट प्लग के बारे में कि वेंट प्लग क्या होते हैं। तो हर एक सेल के अंदर वेंट प्लग रहता है जिसके द्वारा डिस्टिल्ड वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में डाले जाते हैं। इस ढक्कन के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें केमिकल एक्शन की वजह से कुछ गैसें पैदा हो जाती है जो कि इस सुराख द्वारा बाहर निकलती है, जिसे हम वेंट प्लग कहते हैं। तो ये होता है हमारा वेंट प्लग। तो ये थे हमारे बैटरी के निम्नलिखित पार्ट जिनके बारे में हमने आज जाना, तथा अगली वीडियो में हम बैटरी के जो भी टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो बैटरी के पार्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।